क्या नीतीश कुमार बनेंगे डिप्टी पीएम, इंडिया गठबंधन ने दिया ऑफर। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम और जनता दल के चीफ नीतीश कुमार से कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क साधा है। बताया गया कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम के पद का ऑफर दिया गया है। सपा नेता के ट्वीट ने ऐसे वक्त में चर्चा बटोरी है जबकि एनडीए 300 सीटों के आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नीतीश हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, जय सीताराम। इस बात की खबर भी है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन करके बात की है। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ मना कर दिया कि नीतीश कुमार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। कहा गया कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल के नेतृत्व के संपर्क में है। कहा गया कि खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क किया गया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच शरद पवार ने कहा कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम आएगा, मैंने सिर्फ कांग्रेस के लोगों से बात की है, अब तक और किसी से बात नहीं की है। शरद पवार ने कहा कि आज का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया गया उसका जवाब जनता ने दे दिया है। इस चुनाव में अनेक चीजें बहुत अच्छी घटी हैं। हम सब ने मिलकर जिन जगहों पर लड़े हम 7 जगहों पर आगे हैं। 10 में 7 का मतलब है कि हमारी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। हम 3 पार्टियां एकत्र हैं, हम एकजुट होकर महाराष्ट्र की सेवा के लिए आगे रहेंगे।